ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलवाद की वजह से जानते हैं, पर अब छत्तीसगढ़ में इस गांव के लोगों ने नया मुकाम हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर बसे तुलसी गांव की आबादी करीब 6000 है। और कमाल की बात ये है कि इस गांव में करीब 1100 यूट्यूबर्स रहते हैं। यहाँ के लोगों ने कई यूट्यूब चैनल बनाए हैं। बताया जाता है कि यहाँ हर घर में यूट्यूबर्स रहते हैं। गांव में 85 साल के बुजुर्ग वीडियोस बनाते हैं, तो 5 साल का बच्चा भी यूट्यूब के लिए एक्टिंग करता दिखाई देता है। इस गांव को अब हाईटेक स्टूडियो मिल गया है, जिसकी मदद से इन्हें वीडियो बनाने में आसानी हो रही है। ऐसा बेनिफिट है कि हम जब पहले वीडियोस बनाते थे तो हम पहले स्टार्ट किए थे मोबाइल से, और मोबाइल से वीडियो बना करके हम एडिटिंग हम मोबाइल से ही करते थे। देन उसके बाद हमने सोचा कि हमको अपग्रेड करना चाहिए, तो हमने फिर जो सेकंड हैंड सिस्टम लिया था, मतलब लैपटॉप टाइप का, उससे हम एडिटिंग करते थे। प्रीमियर प्रो से स्टार्ट किया था कि हमको सीखना ही है करके, पर उसमें एडिटिंग का ऐसा था कि उस अपग्रेड वर्जन नहीं था, तो हमको वहाँ पे ना एडिटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमको 1000 जो पिक्सल होती है उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते थे। सेकेंडरी ये थी कि यदि हम एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें इतना बफरिंग होता था कि हमारा दिमाग ही खराब हो जाता था कि हम क्या ही कर रहे हैं। और एडिटिंग के साथ में जब हम उसको एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। और उसके बाद जब नेटवर्क का भी एक दिक्कत था कि हम उसको एक्सपोर्ट 10 मिनट का वीडियो एक्सपोर्ट करने में हमको कभी कभी 4 घंटे 5 घंटे टाइम लग जाता था, इतना गंदा वो सिस्टम था। तो इस अभी जो यहाँ पे हमरफ्लिक्स सिस्टम मिला हुआ है वो हमको थोड़ी सी हमारे टाइम को कंज्यूम बचाएगा, हमको कंज्यूमिंग रहेगा। साथ में मोटिवेशन ऐसा है कि आसपास एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे यदि हम अच्छा वीडियो करते हैं या अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो सरकार हमारी मदद करती है। तो आसपास के युवाओं में जो एक गलत वे में जाने का एक आजकल धारणा बन रही है नशा प्रवृत्ति की, वो शायद कम हो जाए, और शायद सोशल मीडिया से वो लोगों को एंटरटेनमेंट कर ले और अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर ले, तो ये शायद एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। तिल्दा जनपद के CEO विवेक गोस्वामी बताते हैं कि हमरफ्लिक्स स्टूडियो जिला प्रशासन और CSR हाईटेक द्वारा बनाया गया है। इससे गांव के यूट्यूबर्स को सहयोग मिल रहा है। काफी बेसिक लेवल पे इन्होंने यूट्यूब का वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अपलोड करना स्टार्ट किया। आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था उस समय लोगों के पास समय काफी था इंटरनेट पे बिताने के लिए, तो उस समय काफी सारे चैनल्स आए पूरे वर्ल्ड ओवर पे। इन्होंने भी उस समय का अच्छा यूटिलाइजेशन किया और इनके भी बहुत सारे चैनल्स आए। जब प्रशासन को इस बारे में पता चला, और प्रशासन को जब ये भी पता चला कि ये अपने फोन से वीडियो बनाते हैं, अच्छे DSLR इनके पास नहीं है, और कई बार साउंड मिक्सिंग में या फिर डबिंग करने में ये समस्या आती है, जैसे दिन के समय काफी नॉइज रहता है, तो प्रशासन को ये पता चला कि हम इनकी सहायता इस तरीके से कर सकते हैं कि एक स्टूडियो बना के इन्हें दे दें, उसमें सारे मॉडर्न इक्विपमेंट हो, जैसे ड्रोन कैमरा हो, DSLR हो, अच्छे सॉफ्टवेयर हो साउंड मिक्सिंग वगैरह के लिए, एक नॉइज कैंसिलेशन वाला साउंड प्रूफ रूम हो। तो इस तरीके से जिला प्रशासन रायपुर ने CSR के सहयोग से इनको ये स्टूडियो मुहैया कराया। अभी आगे भी हमारे कलेक्टर सर का प्लान है, जिला कलेक्टर रायपुर का प्लान है कि एक बड़ा एक हम यहाँ पर भवन बना रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ इनकी और भी चीजें फैसिलिटेशन के लिए हम वो भवन तैयार कर रहे हैं। उसके लिए गूगल इंडिया, यूट्यूब इंडिया और यहाँ पर एक आफ्ट यूनिवर्सिटी है आर्ट एंड फिल्म्स के लिए, तो उनसे उनके माध्यम से हम इनके लिए ट्रेनिंग कराने का, इनके स्किल एनहेंसमेंट के लिए भी काम करेंगे। बता दें कि तुलसी गांव एक जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का अनूठा यूट्यूबर विलेज है, जहां 40 से ज्यादा यूट्यूब के चैनल्स हैं। इनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और व्यूअर्स भी हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक यहां यूट्यूब के लिए सभी वीडियोस बनाते दिखते हैं।